इसी तरह देवधा में 7 जिद्दी कस्टमर की पहचान की गई है जिन पर वारंट इशू हो चुका है। निकट भविष्य में वहाँ भी सुधार होगा। सबसे पहले दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक बिहार शरीफ आपको और नालंदा जिला के तमाम वासियों को दीपावली और छठ की शुभकामना देती है। वास्तव में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक इस समय सभी किसानों को और सभी उद्यमियों को और साथ ही समस्त जिलावासियों को अपनी सुविधा प्रदान करना चाहती है। वो सुविधा में किसानों को प्रधानमंत्री KCC हाउसिंग लोन, PMEGP, जो बेरोज़गार हैं PMFME, विश्वकर्मा PM विश्वकर्मा, GST एक्सप्रेस या प्रोजेक्ट लोन के तहत बड़ा बड़ा लोन भी हम करने जा रहे हैं। और जितने लोग भी यहाँ अप्लाई कर रहे हैं हम बैंक के मानदंडों के आधार पर सभी को लोन दे रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि लोन देना एक काम है जो मेरा पावन धर्म है और हम यह कर रहे हैं। साथ ही हम यह आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं, हमारा बैंक 104 शाखा के साथ और 306 छोटे शाखाओं के साथ पूरे जिला में काम कर रहा है, लोगों को सुविधा प्रदान कर रहा है, परंतु लोन लेने के बाद लौटाने का रेट मात्र 35% है। मतलब 100 में 35 हमारा NPA है, जो बहुत ख़राब स्थिति है। देश भर के जो पैरामीटर है, स्टैंडर्ड है, वो 8% से कम NPA होना चाहिए, हमारा 35% है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा NPA हमारे बैंक का है, पूरे देश में सबसे ख़राब स्थिति हमारी है। इसमें सरकार की काफ़ी मदद है और इस मदद में जो पहले से भी सपोर्ट मिलता था, लेकिन अभी जो लैंड इक्विटी कौन ऑफिसर हैं, नहीं वारंट इशू आदि की बात है या PDR हमने किया है वैसे लोगों के बारे में, इस दिशा में हमारे अध्यक्ष महोदय श्री आशुतोष कुमार झा ने एक प्रोग्राम चलाया है जिसका नाम है घर घर दस्तक। इस घर घर दस्तक के तहत हर शाखा का ब्रांच मैनेजर और एक अधिकारी हर ऋणी के घर में जाते हैं और यह तय करते हैं ऋणी जीवित हैं या मृत हैं। मृत हैं तो कोई बात नहीं, देखेंगे हम उसको बाद में। जीवित हैं या तो वो लोन देना चाहते हैं, किसी परिस्थितिवश अब तक नहीं दिए हैं, या देना नहीं चाहते हैं। देना चाहते हैं तो फिर हम उनके साथ सहयोग करते हुए वसूली करेंगे। जो नहीं देना चाहते हैं यानी जिद्दी कस्टमर हैं, नहीं देंगे। कई लोग मारपीट हंगामा करने पर उतारू हो जाते हैं, या जो नहीं देंगे, जो करना है करो, ऐसे ऋणियों की सूची हमने जिला प्रशासन को दिया है और वहाँ से नीलाम पत्र अधिकारी हैं उनको दिया है। और ऐसे सभी लोगों पर हम PDR कर रहे हैं। PDR के तहत वारंट भी इशू होता है और फिलहाल इटौरा गांव जो मानपुर थाना में है 20 लोगों पर वारंट इशू हुआ है। 6 लोग वारंट इशू होने के बाद हमारे यहाँ ब्रांच में आगे समझौता कर खाता बंद किए हैं। इसी तरह देवधा में 7 जिद्दी कस्टमर की पहचान की गई है जिन पर वारंट इशू हो चुका है। निकट भविष्य में वहाँ भी सुधार होगा। हम चाहते हैं कि हमारा सारा पैसा यहीं के लोगों का है, यहाँ का पैसा जमा होता है। हम चाहते हैं 100% पैसा यहाँ के लोगों में बांटें, लेकिन 100% पैसा मेरा वापस हो। जाने तक की स्थिति तो सही रहती है, लौटने में हमारा NPA 35% लोन खराब हो जा रहा है। यदि मेरा लोन खराब हो जाएगा तो जो जमा करते हैं उनको हम कैसे सूद सहित वापस करेंगे? हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमको थोड़ा सख्त कदम उठाना पड़ रहा है। परंतु हम अपने शेष जो 65% हैं जो लोन ले दे कर रहे हैं उनकी तमाम सुविधाओं के लिए हम तैयार हैं।